सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आए न्यू बिहार ऑटोमोबाइल और आज यहाँ पे कंप्लीट जो हमारा BS6 स्टैंडर्ड जो नया आया उसमें आप लोग समझो एग्जॉस्ट वगैरह लगा रहे हैं। तो देखो इतना सारा, कम से कम कितना एग्जॉस्ट आज चेक करने वाले, 10-12 तो करेंगे। और सारा आप समझो क्लासिक के लिए भी होगा, रिवॉन के लिए भी होगा एंड साथ में स्टैंडर्ड के लिए होगा। देखो हम लोग का मोटिव है लगाना लॉन्ग पंजाब या शॉर्ट पंजाब, है ना, लेकिन हम लोग सब कुछ चेक करके आप लोगों को सुनाएंगे। जैसे कि ये क्या कोबरा क्रोम बोल रहे थे, अब बाकी एग्जॉस्ट हम लोग निकालते हैं धीरे धीरे, वहाँ पे स्टॉक एग्जॉस्ट निकल रहा है। तो भाई इसका काम चालू हो गया, आज पहला मॉडिफिकेशन है हमारे कैफ भाई की रॉयल इनफील्ड की। तो इसमें समझो अभी बस हम लोग एग्जॉस्ट ही चेंज करेंगे, कैट कैन वगैरह सब कुछ लगा रहने देंगे, थोड़ा दिन कैट कैन वगैरह लगेगा, बाद में इन फ्यूचर अगर आवाज़ थोड़ा कम लगेगा तब करते हैं, नहीं तो ऐसे कैट कैन लगा के आपको अभी बहुत सारे एग्जॉस्ट लगा के दिखाते हैं। फिलहाल इसमें अगर आप देखोगे तो लेग गार्ड लगा हुआ है ये ओपनर वाला, और ये कड़ा भी हो जाता है भाई, इसीलिए उसको ज़्यादा टाइट नहीं करते हम लोग। तो सबसे पहले भाई कोबरा लगाते हैं इसमें, और बाकी इसमें तो बूस्ट वगैरह लगाना पड़ेगा लगाने के लिए, बिना बूस्ट लगाए देखो डायरेक्ट लगेगा नहीं, बूस्ट लगा कर ही लगे, हाँ ढीला पड़ जाता है इसीलिए बूस्ट लगाते हैं। बाकी बाइक अभी 50 किलोमीटर भी कम्प्लीट नहीं किया, और जब तक भाई एग्जॉस्ट नहीं डालोगे तब तक बैटरी वाली ही बोलूंगा मैं, इसलिए एग्जॉस्ट डलवा रहे हैं। और पहले हम लोग कोबरा डलवा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसका काफ़ी बेस में आएगा। पहली बार मैं समझो BS6 में विथ कैट कैन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जॉस्ट चेक कर रहा हूँ, चैनल पे पहला वीडियो होगा। बेस में आ रहा ना, इससे ज्यादा लाउड होगा नहीं। और इसके बाद हम लोग डबल बैरल लगा रहे भाई, डबल बैरल ये वाला देखने में काफी तोप जैसा एग्जॉस्ट लग रहा है भाई, डुअल जो लगा हुआ है जैसे देखो अभी। दोनों का आवाज तो सेम ही लग रहा है क्योंकि दो एग्जॉस्ट है इसीलिए। क्या बंद कर दो उसको, बंद कर दो। ये कौन सा है कोबरा एक्सप्लोडर का क्या चीज है, सॉरी कैनन, एक्सप्लोडर का कैनन, ग्लोब का कैनन, एक ग्लोब एक्सप्लोडर कैनन। ज्यादा बेस में ये है, फटाका भी फूट रहा थोड़ा थोड़ा, बंद कर दो उसको। और ये तीन था बेस के लिए, और शार्क और डॉल्फिन भी ला रहे हो क्या, उधर रख दो तो एग्जॉस्ट उधर। और अब लगा रहे हैं भाई डॉल्फिन, वो वाला एग्जॉस्ट हटाओ ना नीचे से, ये वाला डॉल्फिन लगवा, डॉल्फिन अभी चेक कर रहे हैं। ये भी पूरा बेस में आ रहा है, अभी तक जितना एग्जॉस्ट चेक किए ना, चार एग्जॉस्ट, एक ग्लोब का एक्सप्लोडर एंड एक आपका कोबरा इसका डबल बैरल एंड एक की है डॉल्फिन, तो आपका चारों कोबरा बेस में, बाकी उतना खुल के आवाज़ नहीं आ रहा किसी में। ये दोनों लॉन्ग है, एक एक मोटा मुंह वाला लॉन्ग है, एक पतला मुंह, ये तो अभी थोड़ा सा और अंदर होगा। बेस में आ रहा है, और अभी कौन सा शॉर्ट लगाओ, अच्छा मतलब पतला मुंह वाला लगाओ, शॉर्ट नहीं पतला मुंह वाला, मेरे ख्याल से ज्यादा लाउड है ना इसका, इसका पतला मुंह है ना तो थोड़ा और ज्यादा ये लाउड आ रहा है। अब शॉर्ट पंजाब डालते हैं, इसमें एक पतला मुंह वाला भी आता है ना शॉर्ट पंजाब, पंजाबी लगाओ, बड़ा वाला मुंह वाला ही लगाओ, जो मेरा में वही वाला है ना वो। अब फोटो लेते हैं भाई लोग का, उसके बाद फिर लगवाते हैं। पूरा बेस में आ रहा है, और कौन कौन सा बेस में, एक बेस में ये ग्लोब का कैनन है ना, और एक बेस में कोबरा, और बेस में और कोई नहीं, और एक डॉल्फिन, बाकी ये तीनों लॉन्ग पंजाब शॉर्ट पंजाब है, जिसमें से लॉन्ग पंजाब बड़े मुंह वाला लगवा रहा है। अरे भाई गर्म है, पकड़ा दिया।
इधर से पकड़ेंगे, इधर से देखो ये वाला लगवा रहे हैं, इसका फेस दिखा दो, ये वाला कंप्लीट मेरा स्टैंडर्ड में लगा हुआ, यही वाला इसमें लगा रहे हैं और आवाज थोड़ा दब रहा है क्योंकि इसके कारण। कैटकैन जैसे हटेगा आवाज सारा एग्जॉस्ट में खुल के आएगा। अंकल ये वाला लगा रहा। अरे एक बात बताओ, उनका मैं सी बैंड लगा था न्यू वाले में, इसीलिए खुल के आवाज आ रहा था, इसमें आवाज थोड़ा दब जा रहा है और दबने का कारण मेरे ख्याल से यही है, कैट कैन है। ओटो सेंसर कोई लेना देना नहीं है आवाज में, सिर्फ कैट कैन से लेना देना, क्योंकि उसमें जाली वगैरह रहता है ना, तो ये बैंड तो अभी चेंज नहीं कराना। बैंड चेंज, बैंड पाइप कब कराना है? फर्स्ट सर्विस उसे अंदर रखो, है उसे अंदर रखो, सब गलत चीज़ है, वो सब हम लोग नहीं करते यूज। तो देखो ये, लेकिन ये वाला जो एग्जॉस्ट है ना भाई, बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाता है। तुमको पता है ये एग्जॉस्ट लगाने के बाद बहुत आराम से चलाना पड़ता है, हम 3,000 जगह ठोक चुके हैं इसको, मेरे समझो स्टैंडर्ड में 3-4 जगह मेरा एग्जॉस्ट घिस चुका है भाई, क्योंकि देखो भाई स्पोर्ट्स बाइक चलाने का आदत था और एडवेंचर भी करते थे थोड़ा, गड्ढों वगैरह में कूदती है ना गाड़ी तो नीचे वाला पीछे वाला व्हील तो पार हो जाता है, लेकिन उसके आगे वाला जो मुंह है ना वो टकरा जाता कहीं ना कहीं जाके, तो वही एक दिक्कत होता है भाई। और बाकी क्रोम में है कंप्लीट, ये वाला जो एग्जॉस्ट यही सेम मेरे पे लगा हुआ है ना, लेकिन मेरा आवाज खुलेगा क्योंकि मेरा BS4 है, तो अभी हम लोग एक वीडियो बना लेंगे कंपैरिजन का, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, कंपैरिजन भी कर देंगे दोनों का, हाँ बनाने में भी मजा आएगा और BS4 BS6 पता भी चल जाएगा आवाज कैसा खुलता है। और बाकी अब फरहान भाई थोड़ा डिस्काउंट देंगे हम लोग को, है ना फरहान कितना डिस्काउंट दे रहे हो? मुस्कुराहट चलो वो अपना देख लेना, बाकी सारा मॉडिफिकेशन न्यू बिहार ऑटोमोबाइल में हुआ है इसका, तो अभी तक दो ही मॉडिफिकेशन हुआ, एक आगे का बेंड सॉरी आगे का लेग गार्ड जो सिंगल रॉड लगा हुआ, एंड एग्जॉस्ट जो आपका लॉन्ग पंजाब बड़े मुंह वाला लगा हुआ, बाकी बात कंप्लीट बाइक अभी स्टॉक है, तो अभी कंपैरिजन करने में और मज़ा आएगा और धीरे धीरे सारा मॉडिफिकेशंस कराओगे ना, धीरे धीरे वीडियो बनाते चलो बेटर। देखो यार खतरनाक लगता है भाई, न्यू बाइक का जो ग्लेज है और जो ओल्ड बाइक का ग्लेज है उसमें आपको समझ में आ जाएगा भाई कौन सी न्यू है कौन सी ओल्ड है, और हम लोग स्टॉक साइलेंसर लेके जा रहे हैं क्योंकि इन फ्यूचर अगर कोई ट्रिप वगैरह प्लान हुआ रॉयल एनफील्ड से इन फ्यूचर, तो हम लोग को स्टॉक ही लगवा के जाना है भाई, हम लोग कस्टम लगा के नहीं जाएंगे। इसको थोड़ा मतलब मुंह खोलना होगा इसका, क्या बुश में सही से बैठ नहीं रहा हो? देखो आगे पूरा नीचे तक जाओ ना, बस छोड़ दो वैसे, RPM लो करने का कोई उपाय नहीं है। भाई देखो ये इसका कंप्लीट आवाज़, इसका लॉन्ग पंजाब का सही ही फूट रहा है, और टाइट वगैरह हुआ तो थोड़ा सा आवाज़ में थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ क्योंकि वहाँ पे मेरे ख्याल से लीकेज होगा जब ये टेस्टिंग हो रहा होगा, बाकी कैट कैन लगाने के बाद भी थोड़ा बहुत उतना मतलब भी थोड़ा सा लो हुआ है ना लाउडनेस से, बाकी है सही आवाज़ ही आ रहा है। चलो इसको लेके निकलते हैं यहाँ से, उसके बाद फिर अपनी स्टैंडर्ड और इसका फिर एक साउंड टेस्ट करेंगे हम लोग। चलो आवाज सही आ रहा भाई, ठीक ही आ रहा आवाज ठीक ही आ रहा, हमको लगा थोड़ा लो होगा लेकिन ठीक ही आ रहा आवाज।
तो होपफुली गाइज आपको इसका एग्जॉस्ट नोट वगैरह पसंद आया होगा। और जा रहे अभी भाई अपना स्टैंडर्ड लेके आते हैं BS4 वाला और BS6, दोनों में सेम एग्जॉस्ट हम लोगों ने लगाया, तो एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेंगे। चलो वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। और हाँ भाई बताना आपको कौन सा एग्जॉस्ट नोट सही लगा।